दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह का आया तूफान, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर मचाया कोहराम। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। पहला T20 मुकाबला और दो टेस्ट मुकाबले हारने के बाद बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखला उठी है। और यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, पहला T20 का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश की टीम और काफी ज्यादा गुस्से में है और दूसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहती थी। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला और ये दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। दूसरे T20 मुकाबले का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया और गेंदबाजी का मौका अपने आप लिया। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पहुंच गए। दोस्तों संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। संजू सैमसन ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव कर चौका ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की पांचवीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। पहला T20 का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और दूसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहती थी। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, स्ट्राइक अपने पास रखी और दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी और अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी और संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और अभिषेक शर्मा भी काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों तीसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी और अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर यहाँ पर चौथी बॉल पर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया और तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर अभिषेक शर्मा ने फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन तीसरे ओवर की छठी बॉल पर अभिषेक शर्मा 40 बने यानी कि 41 रन ठोक करके आउट हुए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभिषेक शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिसने पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया था कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला था और सिक्स यानी कि छक्के से जीत दर्ज करी थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन जब यहां पर आप सभी को बता दें 50 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफी ही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से पांचवें ओवर की छह गेंदों पर 3 छक्के 2 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के गेंदबाज को इस कदर धो रहे थे कि मानो तूफान सा आ गया हो। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की सारी की सारी खेकड़ी निकाल कर रख दी। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। सूर्या ने छठे ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं,
तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं दोस्तों छह गेंदों पर लगातार सूर्य कुमार यादव ने गगन चुमती छह छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर। दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी तो देखकर सभी तो हैरान थे ही, लेकिन दोस्तों सूर्या और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर अब सभी हैरान थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। हार्दिक पांड्या काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने छह गेंदों पर लगातार छह छक्के ठोककर के बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म कर दिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोस्तों सातवें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर यहां पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक जो है हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की यहां पर पांचवीं बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों नवें ओवर की पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या के हाथ से बल्ला छूट गया, लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर के गिरी। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए नवें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका, लेकिन हाथ से बल्ला भी छूट गया और पूरे स्टेडियम में हार्दिक का नाम गूंजने लगा। दोस्तों नवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक सूर्या को दी और सूर्या ने नवें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार गगनचुंबी तीन छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को सिर्फ दो ही विकेट हासिल हुए थे और भारतीय टीम के दो खूंखार विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज कुछ ऐसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव और यहां पर आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या यहां पर आप सभी को बता दें 98 यानी कि 98 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 11वें ओवर की बची तीन गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार गगनचुंबी तीन छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव कर चौका फिर ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 12वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार गगनचुंबी तीन छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव के अगर आगे बॉल फेंके तो फेंके कैसे, हर एक बॉल पर बंदा छक्के चौके ठोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। दोस्तों 13वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की पांचवीं बॉल पर छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों 14वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया स्ट्राइक फिर रिंकू सिंह को दी और रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की बची तीन गेंदों पर शानदार तीन गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक शेर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे। तो वहीं दोस्तों 14वें ओवर तक जाते आते सूर्या ने 198 रन ठोक दिया और अभी भी नॉट आउट था और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम मचा रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के रिंकू सिंह ने भी ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म करते युवराज सिंह और सूर्या का रिकॉर्ड भी बना बनाया तोड़ दिया। रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के जो 4 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके सूर्या ने ठोक दिए। 20वें ओवर तक जाते थे भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक शेरों ने मैदान पर तूफान मचा दिया, लेकिन जब बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो सबसे पहला ओवर लेकर गए हर्षदीप सिंह ने। यहां पर पहले ओवर की चौथी बॉल पर एक विकेट चटका दिया और बांग्लादेश जो काफी ज्यादा खुशी से उछल रहे थे उनकी सभी की जो है आप सभी को बता दें खुशहाली मातम में बदल दी। हर्षदीप सिंह ने पहले
ओवर की पहले ओवर में ही एक विकेट चटका दिया। तो वहीं आप सभी को बता दें, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने काफ़ी बेहतरीन विकेट कीपरिंग के पीछे से कैच पकड़ा, जहां पर दो विकेट दोनों ओवर में चले गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर एक विकेट आप सभी को बता दें अक्षर पटेल ने चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। पाँचवें ओवर की चौथी बॉल पर 11 रन देते हुए मयंक यादव ने दो विकेट लिए। मयंक यादव वो तूफानी विस्फोटक गेंदबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक गेंदबाजी करता है। मयंक यादव की एक भी ऐसी बॉल नहीं गई जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम जाती हो। मयंक यादव की गेंदबाजी की जो स्पीड है वो इतनी हाई है कि जसप्रीत बुमराह भी उस स्पीड से पीछे रह गए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अगर गेंदबाजी की बात करें तो 136, 140, 143 रहती है, लेकिन मयंक यादव की गेंदबाजी 155, 160 रहती है। मयंक यादव ने आठवें ओवर की छः गेंदों पर लगातार दो विकेट चटका दिए। नवें ओवर की छः गेंदों पर हर्षदीप सिंह ने एक विकेट ले लिया, तो वहीं दसवें ओवर की छः गेंदों पर एक विकेट रवि बिश्नोई ने चटका दिया। लेकिन बांग्लादेश के दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम को एक पल के लिए ऐसा लगा कि मुकाबला हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मयंक यादव ने यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर दो विकेट चटका दिए और 17वें ओवर तक जाते जाते पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और दूसरा टी20 का वार्म मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद।